हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं अमित और आप देख रहे हैं गिटार अड्डा चैनल। तो दोस्तों, फाइनली आज मैं आपको लेसन नंबर 2 सिखाने वाला हूँ अपनी हार्ड बेस स्ट्रमिंग सीरीज का। आज की लेसन में जो बेसिकली मेरे टॉपिक्स है वो ये है कि अगर आप एक बिगनर हैं तो आप मतलब आपकी फर्स्ट या सेकंड स्ट्रमिंग कौन सी होनी चाहिए हार्ट बीट में, ताकि आपके लिए पूरी हार्ट बीट जो कॉन्सेप्ट है वो इजी बन जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई चीज़ लाइक न्यू चीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वो एक ईजी चीज़ से आप सीखें, ताकि आपके जो आगे जाके जो टफ टफ चीज़ें आने वाली हैं वो आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपको मतलब टाइम टू टाइम आपको क्लियर होते जाए। तो बेसिकली जो आज मेरा लेसन नंबर 2 बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि आपको एक इजी सी 2 पैटर्न मैं आपको बताऊं, ताकि अगर आप बिगनर हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लस मैं आपको मतलब ये चीज़ भी सिखाने वाला हूँ कि अगर आप मतलब कोई सॉन्ग्स में कोई स्ट्रमिंग प्ले होती है, आपको नहीं पता चलता यार इसमें कौन सी हार्ट बीट बजाऊँ, ये वाली वो वाली, तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको क्लियर होते जाएंगे साथ साथ में। तो जो बेसिकली जो मैंने आपको 2 पैटर्न्स बताए हैं तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे वाला जो पैटर्न है, सबसे पहले वाला पैटर्न जो उसमें स्ट्रमिंग प्ले होती हैं, वो मैं आपको एक दो स्ट्रमिंग प्ले करके दिखा देता हूँ और उसको कैसे कन्वर्ट करें आप हार्ड बेस स्ट्रमिंग में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब सिंपली जो सॉन्ग में ऐसे स्ट्रमिंग प्ले होती है, जिनमें भी कुछ ऐसी स्ट्रमिंग्स प्ले होती हैं उनमें आप ये वाली हार्ड बीट स्ट्रमिंग प्ले करोगे। ठीक है, काफी इजी है, मैं जितना होगा मैं आपको इजी अभी भी बनाने की कोशिश करूंगा। बट अगर आपको हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो प्लीज़ मेरा लेसन नंबर 1 देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जिसमें मैंने हर एक चीज़ एक बिगनर को पता होनी चाहिए हार्ट बीट के बारे में वो चीज़ मैंने उसमें सिखाई है। तो प्लीज़ पहले लेसन नंबर 1 देखिए, फिर आप लेसन नंबर 2 भी आराम से सीखिए। तो ये वाली स्ट्रमिंग सीखने के लिए आपको आने चाहिए 7 स्ट्रोक्स, मतलब टोटल 7 स्ट्रोक्स हैं। वो कैसे प्ले होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और कैसे आप इजी वे में उसको प्ले कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो सबसे पहले हमारी स्ट्रोक है वो है किक प्लस स्ट्रम। किक प्लस स्ट्रम बेसिकली हमें यहाँ पे टैप करना होता है इस चीज़ से, और हमें स्ट्रमिंग भी प्ले करनी होती है, स्ट्रिंग्स पे हमें लाइक स्ट्रोक देनी होती है। तो ऐसे आपको सुनाई दे रहा होगा कि लाइक बीट की भी आवाज आ रही है और स्ट्रिंग्स की भी आवाज आ रही है। ठीक है, तो किक प्लस स्ट्रम हमारा बेसिकली फर्स्ट स्टेप है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट। तो सेकंड है हमारा स्ट्रम प्लस स्नेयर। स्ट्रम प्लस स्नेयर बेसिकली हमें थोड़ी सी स्ट्रमिंग करनी है और यहाँ पे नीचे पे टैप करना है। ये आपको पोर्शन दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, 3 स्ट्रिंग्स, मतलब मोस्टली हम 3 स्ट्रिंग्स ही प्ले करते हैं नीचे की, और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे नेल मारना होता है ऐसे। तो इसकी साउंड ऐसे आती है। तो फर्स्ट किक प्लस स्ट्रम, सेकंड हमारा स्ट्रम प्लस स्नेयर, फिर हमारा अप डाउन, हमें 3 स्ट्रोक लेनी है अप डाउन। अब फर्स्ट स्ट्रोक हमारी आ गई किक प्लस स्ट्रम, स्ट्रम प्लस स्नेयर, अप डाउन अप, फिर किक प्लस स्ट्रम, सिक्स्थ वाला, फिर हमारा स्ट्रम प्लस स्नेयर। तो अब ये भी चीज देखना है कि किसमें कितना गैप आ रहा है, किक प्लस स्ट्रम पहले, फिर उसमें थोड़ा सा माइनर सा गैप स्ट्रम प्लस स्नेयर, फिर अप डाउन अप, किक हमें साथ में लेनी है जैसे। अब आप देख रहे कि प्लस इसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है, फिर अप डाउन अप, किक साथ में आ रहा है, फिर स्ट्रम प्लस स्नेयर में गैप आ रहा है। ऐसे प्ले होगी। ठीक है, कुछ ऐसे साउंड करेगी ये। और जो सेकंड वाला स्ट्रमिंग पैटर्न है वो आपने काफी ज्यादा सॉन्ग्स में सुना होगा, चेकिंग वाला है, वो ऐसे कुछ प्ले होता है, 6 स्ट्रोक्स का होता है या तो 5 स्ट्रोक्स का होता है, वो कुछ ऐसे प्ले होता है डाउन अप। ठीक
कैसे प्ले होती है? मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने ये दो स्ट्रमिंग सीख ली ना, आपके मतलब आपके लिए आगे जाके ना मतलब बहुत सारी इजी होती रहेंगी चीजें आपको। मतलब मैं लेसन में आपको हार्डवेयर स्ट्रमिंग ही बताऊंगा और आप समझ जाओगे कि इसको कैसे प्ले करना, तो उस लेवल के आप बन जाओगे आफ्टर ये और लेसन नंबर वन देखने के बाद। तो ये वाली स्ट्रमिंग को प्ले करने के लिए टोटल 5 स्ट्रोक्स है। पहली हमारी की प्लस स्ट्रम, अगेन यहाँ पे टैप एंड स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। टैप हमें इस चीज से करना होता है, स्ट्रिंग्स को प्ले करने के लिए हमें फिंगर्स को मूव फॉरवर्ड मूव करना होता है। किक प्लस स्ट्रम, स्ट्रम प्लस स्नेयर, फिर किक प्लस स्ट्रम, फिर सिंपल किक, फिर स्ट्रम प्लस स्नेयर। तो ये कैसे, किक प्लस स्ट्रम, स्ट्रम प्लस स्नेयर, किक प्लस स्ट्रम, किक, स्ट्रम प्लस स्नेयर। तो ये है फर्स्ट दो हार्डबीट स्ट्रमिंग्स जो हर एक बिगनर को सीखनी चाहिए, इसे ही स्टार्ट करना चाहिए। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने एक टफ वाली हार्ड बेस स्ट्रमिंग पकड़ ली थी, हिट हेड वाली, जिसकी वजह से मुझे 5 to 6 मंथ लग गए थे और मेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर होता हो रहा था। बट स्टिल फिर मुझे 6 महीने के बाद मुझे वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर मुझे हर एक चीज़ यहाँ पे हार्ट बीट स्ट्रमिंग में समझ आ गई कि कैसे प्ले होती है। तो मैं नहीं चाहता आप वो गलती करें, आप एक इजी चीज़ से प्ले करना स्टार्ट करें और जो मैंने 6 महीने लगाए आप उसको 1 महीने में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली आपके लिए हर एक चीज़ इजी बनाना चाहता हूँ ताकि जो चीज़ मैंने फेस की है, प्रॉब्लम जो बाकियों ने फेस की है, मैं नहीं चाहता वो आप फेस करें, क्योंकि हर एक चीज़ को इजी बनाना और उसको सिखाना बहुत मुश्किल है और उसको समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं फुल फोकस कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को ईजी बना के आपको मतलब समझाऊँ मैं हर एक चीज़। और इसके आगे आगे जो लेसन्स आ रहे हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं उसको सिखाऊंगा, जैसे कि आप खुद की हार्ट बीट स्ट्रमिंग कैसे बनाएं, या आप एक नॉर्मल स्ट्रमिंग को कैसे कन्वर्ट करें हार्ट बीट स्ट्रमिंग में, और भी बहुत सारी चीज़ें, हिट हेड, स्पैनिश, जो भी स्ट्रमिंग्स रहेंगी, तो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। बट प्लीज़ लेसन नंबर वन, लेसन नंबर टू जो आज है, और मेरे जो गिटार थ्योरी सीरीज़ हैं और जो भी सॉन्ग्स हैं वो सारे देखें और उन सब लेसन्स को शेयर भी करें। प्लस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन अभी दबाइए। आपके साइड पे रेड नीचे इस साइड पे रेड आइकन शो हो रहा होगा सब्सक्राइब का, वहाँ पे क्लिक करें और उसके साथ ही बेल आइकन भी आपको शो हो रहा होगा, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करें। कुछ भी क्वेरीज होती हैं आपकी, कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे इंस्टाग्राम पे पूछें, उसी टाइम आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेसन में इतना ही, नेक्स्ट लेसन में आपसे और कुछ शेयर करूँगा। तब के लिए धन्यवाद।